हाँ जी, उदे विच इन्हां ने मेरिया पिक्चर्स लैके उन्होंने मिसयूज किया मेरे लिए, मतलब बहुत ज़्यादा गंदी जो शब्दावली आप सुन नहीं सकते, हनी सेठी ने। हाँ जी, तो इस करके बस उस दे बिहाफ ते ये जिहड़ा मुकदमा दर्ज होया। ते हुण गिरफ्तार कर लिया पुलिस ते किस तरह की कार्रवाई की मांग कर? हाँ जी, मतलब मैं चाहनी है कि जिस तरह अजकल दे टाइम विच है ना, कदे भी किसी भी कुड़ी नूं कोई गलत बोलता है तो उन्हें इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए, तो कुड़ियों को डरना नहीं चाहिए, हमेशा अपनी रिस्पैक्ट लिए मतलब है ना अगे आना चाहिए। तो मैं ये चाहनी है कि जो उन्हें किया उन्होंने उस चीज़ की सज़ा मिले। तो लगता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो, तो काफ़ी फॉलोअर्स ने, तो जो इधर कोई गल करता है तो बहुत सारे लोगों जा जाती है, तो गलत इमेज खराब नहीं नहीं मैं देखती हूँ। सिर्फ सोशल मीडिया के उपर आप कहने ना कि धियां भैन की इज्जत करो, वो सिर्फ सोशल मीडिया से तक ही नहीं होना चाहिए, सगो जी रियल लाइफ है आप लोगों कुड़ियों फोटो लगा के उन्होंने गाला कट रहे हैं, है ना, गंदी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ये सारिया चीज़ा बोलन नाल नहीं रियलिटी विच भी करनी चाहिए ने। तो लगता है जिस तरह का स्वरूप है उन्होंने सिखी स्वरूप है, सो अजे स्वरूप के आगे इधर ही लैंग्वेज का इस्तेमाल करना कितना कितने नहीं, बहुत गलत है, बहुत गलत है। कुड़ियों की अजकल के टाइम कुड़ियाँ मुंडिया नालों घट नहीं है, तो इस करके उन्हों की रिस्पैक्ट भी उन्नी ही होनी चाहिए है। हाँ जी, तो कर ला है जो सोशल मीडिया तो बोले कितनी देर हो गई? कितना टाइम हो गया? महीना का हो गया। हाँ जी, कोई उन्होंने दबाव भी पाया कि कंप्लीट ना करो या कोई? हाँ जी, पहला हाँ जी मैंने मैसेजेस आए थे उन्होंने, तो वो सारे प्रूफ मैं दिते हुए हैं। हाँ जी, मैं कैनेडा तो लास्ट ईयर आई हूं, पहले मैं यूरोप कैनेडा सारे पास गई हुई हूं, उधर तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। कारण की है, क्यों तुम्हें टारगेट किया, कि मतलब रीजन की है इस गल का, तुम्हारे कोई पहला कोई गल बस कोई जान पहचान? बस रीजन यही सीगा कि मैं प्रिंकल दी बिजनेस पार्टनर सी, तो मेरे थ्रू प्रिंकल नूं भी डीफेम करना चाहते थे, तो मैनू भी डीफेम करना चाहते थे, जस्ट यही उन्हों का मोटिव सीगा। मेरा नाम हरिंदर सिंह नारंग है जी, मैं लुधियाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वकालत करता। सर, लड़की जी बाहर आई है, हाँ जी, मामला है कुछ सोशल जो इन्फ्लुएंसर है? देखो जी, इन्हू बदनाम करने लिए ये साड़ी अपना लड़के जी नवजीत कौर है, मैं इन्हों का वकील हाँ, इन्हू बदनाम करने लिए अश्लील शब्द वरते गए, अश्लील यदि फोटो कटवट करके उन्हों कंप्यूटर के एडिट करके फेसबुक पर पाई गई, मीडिया से पाई गई, जिदा बदनामी की गई है, एंड कंप्यूटर के जी नॉलेज होंगी जो बंदे उन्हें उस मुताबक इस लड़की को बदनाम करने लिए उन्होंने एडिट किया कंप्यूटर के छेड़खानी करके, कंप्यूटराइज जो तरीके करने के आई टी एक्ट के केस धारा लगिया ने, बाहर बैठे विदेश बैठा भी जोड़ा अवि सिद्धू है वह भी ये खिलाफ बयानबाजी करता पाया, तो इतने एक मुलजम पकड़िया गया, अज उन्हें पेश करेंगे अदालत में, तो कोशिश करा वो होर भी कई चीज़ा निकल गई। ये अवि सिद्धू किया गया, हनी सेठी किया गया, जानते हैं जी दोनों एक दूजे रल के फेसबुक से वो करके बयानबाजी इकट्ठे करते हैं, एंड एक दूजे के जो कमेंट होंगे ने उन्होंने अगर फॉरवर्ड करते हैं, जो कोई पोस्ट पाता उन्होंने शेयर करते हैं। 467 का होया जी, आई टी एक्ट का होया जी, होर बाकी धारा लगिया ने, ये एक चीज़ होर मैं दसना चाहना वा, अज में गिरफ्तारी हुई है, इस तो बाद पुलिस रिमांड लेगी, इन्होंने होर कौन कौन बंद शामिल ने, किन्ना किन्ना ने कंप्यूटर के छेड़खानी करने सहायता की है, इन्हों का पिछले मंतव की सगा, वो सारा कुछ अब बाहर निकलूगा, तो इन्हों का मैंने लगता है होर भी दफावं बदन गई, तो होर भी दोषी पकड़े जाएंगे। मुलजम सर बाहर है, उसके खिलाफ किस तरह? उसके खिलाफ जी कानूनी धाराओं के मुताबिक उन्होंने इंडिया लिया जो भी एक्सट्राडिशन का केस करेंगे, सरकार कानून जो भी अपनी करेगा जो बनती है। कितने ना कि मैडम की छवि खराब करने की गल की? पूरी तरह की गई जी, छवि खराब करना और चीज़ होती जी, उन्होंने डेफामेटरी के तरीके कह लो भी फिजिकली गलत तरीके पेश करके इन्हों की गलत शब्दावली वरत दी। देखो ये लोग जो होंगे ना, इन्होंने मंतव पकड़ने वास्ते तो अब उन्होंने गिरफ्तारी पा के उन्होंने लैके आया जाऊगा ना, पिछले मंतव की है, हो सकता पिछले बहुत वड्डा इन्हां दा कोई ग्रोह होवे जिहड़ा इहो जिहे लड़कियों को ब्लैकमेल करके उन्होंने को पैसे हेठता होवे, हाले बड़ा कुछ निकलना इहदे चों, सो ये शुरुआत है, अजे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, तो कानून अपनी जो कार्रवाई होगी करेगा। धन्यवाद। नवजीत कौर, देख सकते हो तुसी लाइव तस्वीरां, जिवें कि तुसी जानते हो हनी सेठी दे बारे बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया ते मशहूर हनी सेठी हुणी हुणी जो कि तुसी वीडियो दे विच भी देख सकते हो कि विवादां दे विच घिरिया होया, और बहुत ही गंभीर इल्जाम जो कि कनेडा तो आई इस लड़की दे वालों लगाए जा रहे ने कि कंप्यूटर दे विच अश्लील फोटो एडिट करके हनी सेठी दे वालों और उसके एक फ्रेंड दे वालों इस लड़की दियां जो कि वायरल कीतियां गईयां, इसनू ब्लैकमेल किया गया, और नाल ही नाल दस्या जा रहा है कि इस लड़की दे वालों जो कि लुधियाना पुलिस नू कंप्लेंट की गई, इस दे उत्ते FRI दर्ज कराई गई, और लुधियाना पुलिस दे वालों जो कि इसनू गिरफ्तार कर लिया गया है, इसनू जो कि अपने गिरफ्तारी दे विच लै लिया गया, और जो कि हनी सेठी जो कि तुसी देख सकते हो सोशल मीडिया के उत्ते फेसबुक के उत्ते बहुत सारे लोग है जो कि इसनू जानते हैं, और नाल नाल कनेडा तो आई इस भैन जो कि साड़ी असी भैन कह सकते इस लड़की नू जो कि गंदियां
ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਹਨੀ ਸੇਠੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਆਗਿਆ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਜੋ ਕਿ ਹਨੀ ਸੇਠੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਖੁਦ ਹਨੀ ਸੇਠੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਨੀ ਸੇਠੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਨੀ ਸੇਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਐਸੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਐਸੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਵੀ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਔਰ ਵੀ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਐਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ, ਐਸੇ ਜੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਸੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਜੋ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਣ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੇਫ ਹੋਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸੇਫ ਹੋਣ। ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਵਿਸ਼ਾਰਮਦਾਸੀਆ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾਰਮਦਾਸੀਆ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।